तो आज हम है जी मोहाली में फेस 11 में और हम यहाँ पे है जी पेट्रोल पंप के एकदम बगल में हैप्पी नूडल्स वाला पे। और यहाँ पे सरदार जी जो है बहुत ही जबरदस्त खाना बनाते हैं। सरदार जी सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया सर। सर थैंक यू सो मच आपने मुझे टाइम दिया। सरदार जी मुझे ये बताओ क्या क्या बनाते हैं आप यहाँ पे? हमारे पास नूडल, मंचूरियन, पास्ता, वेज सूप, चना सूप, टमाटर सूप, बर्गर, सैंडविच, हर एक चीज मिलती है जी। क्या बात है सरदार जी, शाम को भी बंदा बाहर निकले घर से जूस भी मिलता है जी, बनाना शेक भी। वाह वाह वाह। तो शाम को अगर कोई घर से बाहर निकले तो आप उसके लिए सब कुछ बना देते हैं, कहीं और जाने ही नहीं देते? सर जी हम ये कहते हैं कि अगला घर से नाराज हो गया तो यहाँ से खुश हो जाए। क्या बात है, क्या बात है सरदार जी। और यही जो आपका जो एक जो तारीफ है ना, बहुत लोगों ने करी है कि सरदार जी बड़े मस्त मौला इंसान है। मुझे ये बताओ कि आप ये जो बना रहे हो ये क्या चीज़ बना रहे हो? ये सर पास्ता बना रहे हैं जी। ये पास्ता बन रहा है जी, इसमें देखो गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है और कुछ है सर? नहीं सर और नहीं डालते जी। पता क्या है जी, इसमें क्वालिटी जो हमने बनाई है वो अपने हिसाब से बनाई हुई है जी, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि भाई इस रेट में बढ़िया मिले जी। तो अगर ज़्यादा डाले जाएंगे तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं। सर रेट की बात कर लेते हैं, मैंने सुना है रेट्स बहुत ही ज़्यादा कम है, आप 10 रुपये में भी नूडल्स दे देते हैं? हाँ जी सर, खाने वाले को 10 रुपये की भी नूडल्स दे देते हैं, अगर आपने टेस्ट देखना तो आपको ना नहीं है। वाह, मैंने जब जी नूडल मिल जाएगी, मंचूरियन, पास्ता जी, ये जो है मंचूरियन पास्ता जो है ये 30 की रेंज में दे देते हैं, 30 का क्या 20 का भी दे देते हैं अगर आपने फर्स्ट टाइम चेक करना जी। जी जी, तो 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ तक भी आप पास्ता दे देते हैं, 10 रुपये में नूडल्स दे देते हैं। वाह वाह वाह। सरदार जी कहते हैं ना पंजाबियों के दिल खुले होते हैं, तो वही आप बात जो है वो प्रूव कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ बताओ कि आप ओरिजिनली कहाँ से हो? आप मोहाली से ही हो? नहीं, हम पीछे रह के दिल्ली से हैं जी। अच्छा जी, हम तो 84 राइट्स के आए हुए हैं और जब से यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब 84 में जो हुआ था उसके बाद आप फिर मोहाली मूव हुए? हाँ जी। अच्छा, तो एक वो जो जैसे मूवी भी आई है ना इस बारे में, जो दिल्ली से मूव करके लोग मोहाली आए थे सबसे पहले। हाँ जी सर। तो आप भी मतलब उन्हीं फैमिली में से? हाँ जी सर। पर पाजी आपने मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपने बोला अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो। नहीं, स्ट्रगल ये है ना कि जो हम 84 राइट से आए हैं जी, अभी भी मार्केट में हमारे को जो भूत अलाट होने चाहिए थे जी, वो सरकार की तरफ से फैसिलिटी मिली नहीं। अच्छा, तो अब जब चीज़ नहीं मिलेगी तो उसके लिए तो हम यही कहेंगे ना कि अभी अभी स्ट्रगल में है जी। सर मैं शायद ये हालात समझ भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम जो आजकल की पनीरी है ना, हम बड़े सॉफ्ट तरीके से पाले परोसे और बड़े किए गए हैं, बट मैं आपके साथ इत्तेफाक रखता हूं जो आपने बात करी। पास्ता में देखो 2-3 तरीके की सॉसेज आ गए हैं जी, और साथ में नमक आ गया। और ये सर कौन सी जिंजर गार्लिक सॉस डाली आपने? हाँ जी हाँ जी, अपनी बनाई हुई है जी जी। और ये साथ में आ गई जी केचप, और भाई साहब पूरी लोडेड एक तरह से कढ़ाई बन गई है, बहुत ही बढ़िया। और पाजी आपकी जो स्कूलिंग वगैरह है वो यहीं की है? है जी, मोहाली में ही आपकी कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह? नहीं जी सर, दिल्ली से पढ़े। अच्छा, आपने पढ़ाई भी वहीं पे करी है? वाह, ये फ्लेवर होते हैं। ओ भाई साहब, ये शायद मेयोनीज़ है या लिक्विड चीज़ है, क्या है सर? लिक्विड चीज़। ये लिक्विड चीज़ है जी, और भाई इससे तो पूरा जो है कढ़ाई एकदम लोड हो गई है, पूरी भर के अच्छे से क्रीम के साथ। और सरदार जी इसमें अभी पास्ता भी आएगा? आपके सामने पड़ेगा जी। इधर जो है ये है जी पास्ता जो बॉईल करके रखा हुआ है, और ये है जी एक सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा, और सरदार जी जो है वो सरदार जी आपका फेवरेट क्या है यहाँ पे? है जी, आपका यहाँ पे फेवरेट क्या है? हमारे तो हम ही फेवरेट है सारे प्यार क्या बात है, सरदार जी के सरदार जी ही फेवरेट है। और वैसे खाने में आपको अपने हाथ का क्या पसंद है? अपने हाथ में जी सब कुछ बताते हैं जो मिल रहा है। ये आ गई जी काली मिर्च, और ऊपर से ये आ गया जी पास्ता, अब भर भर के ये देखो। वाह, तो दादी इसकी प्लेट कितने की है पास्ता की? 40 रुपए की है जी, हाफ क्वार्टर जी, फुल सर 120 की, हाफ 70 की। ठीक है जी, तो 40 रुपए की क्वार्टर, 70 रुपए की हाफ, और 140 रुपए की फुल, 120 रुपए की फुल, 120 रुपए की फुल। और भाई साहब ये देखो ये पास्ता बनके तैयार है, और अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। वेस्ट दिल्ली में ना एक आंटी बनाते हैं, वो भी ऐसे ही पास्ता बनाते हैं पूरी कढ़ाई भर के, तो सरदार जी जो है वो भी ऐसे ही उसी तरीके से बना रहे हैं। इसमें गाजर भी है, शिमला मिर्च भी है, प्याज भी है, और काली मिर्च का तड़का अंग अंग भड़का। सर अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो लोकेशन बता दीजिए प्लीज। लोकेशन फेस 11 मोहाली जी, SAS नगर, सेक्टर 65 जी,
पेट्रोल पंप के साथ में जी। जी, और टाइमिंग्स क्या है सर अपनी? टाइमिंग शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सरदार जी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जो पास्ता है भाई साहब, ये वाला पास्ता आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बड़ा एंजॉय करेंगे आप इसको। और वीडियो को लाइक कर देना, पेज को फॉलो कर लेना, और सरदार जी के पास ज़रूर आना, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा इनका पास्ता। और सरदार जी एक बार वो क्वार्टर प्लेट लगा के दिखा दीजिए, 40 रुपीज़ वाली। ठीक है सर। ओ भाई क्या बात है, पास्ता के ऊपर ये आ गया जी हरिया धनिया, ये तो अनएक्सपेक्टेड था सरदार जी, ये अनएक्सपेक्टेड पास्ता बन के तैयार है जी। और ये अब जाएगा प्लेट के अंदर, आपको दिखाते हैं। आंटी जी ने और डाल दिया बहुत बढ़िया, तो ये एकदम फ्रेश फ्रेश पास्ता बन के तैयार, एंड ये आ गया जी प्लेट के अंदर। और सरदार जी ये 40 रुपीज़ की प्लेट है? हाँ जी सर, ये है जी 40 रुपीज़ की प्लेट। अगर आप ट्राई करना चाहते हो यहाँ पे आके तो ज़रूर ट्राई करना, उसके बाद अगर आपको ये वाला पास्ता अच्छा लगने लग जाए तो भाई साहब हाफ प्लेट खाना। थैंक यू सो मच सरदार जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।